हम दोनों पापा की गोद में बैठ के बड़े हुए, अब वो टीचर आके पापा जी की गोदी में बैठ गई है, अब पापा जी बड़े हो रहे हैं। मैंने बहुत सी वीडियो में देखा हुआ ऐसे करते हुए, एक हवस का पुजारी है, हर दफा यही करता है सेक्सी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वी होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल वी टू रिएक्शन पर। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी पर रिएक्शन देने वाले हैं, उस मूवी का टाइटल है जुग जुग जियो। और मूवी में एक्टर्स कौन है? अनिल कपूर, वरुण धवन, कियारा आडवाणी और रणवीर कपूर की माँ। उनका नाम क्या है? नाम नहीं पता। नाम यार पता होना चाहिए। अरे वो एक महिला नीतू कपूर, नीति का, ओ सॉरी, नीतू कपूर जी। हाँ हाँ, नीतू कपूर उनका नाम है दोस्तों। और मूवी जो है किस तरह की होने वाली है, ट्रेलर में देखते हैं, ट्रेलर से कुछ ना कुछ तो आइडिया मिलने वाला ही है हमें मूवी किस तरह की होने वाली है। और काफी टाइम बाद जो है वरुण धवन पर्दे पर वापस आ रहे हैं, और कियारा आडवाणी के साथ उनकी पहली मूवी है, और अनिल कपूर के साथ भी लास्ट मूवी इनकी कुली नंबर 1, जो की फ्लॉप हो गई थी, सुपर डुपर फ्लॉप गई थी। कियारा आडवाणी के साथ पहली मूवी थी इनकी, लड़के का जो है आडवाणी नहीं, सॉरी, सारा अली खान के साथ थी पहली मूवी, वो फ्लॉप हो गई थी। लड़के का डब्बा जो है सब गुल होता जा रहा है, पर देखते हैं ये वाली धर्मा प्रोडक्शन से जो मूवी इन्हें मिली है वो कहाँ जाती है, किस कितना रुपया कमाती है, सुपर डुपर हिट होती है या ये भी फ्लॉप होती है। और कुली नंबर 1 में मुझे एक सीन बहुत जबरदस्त लगा था। कौन सा वाला? ट्रेन वाला। ट्रेन से तेज भाग लाया वो, जो ट्रेन से तेज भाग। ग्रेविटी कहाँ गई? ग्रेविटी का ही माचूदा, ऐसे कोई चीज ही नहीं। और एक मिनट भाई, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। हम भूल गए थे सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो की बहुत जरूरत है। सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जब तो आपके पास और भी ज्यादा हमारे ऐसे रिएक्शन आवेगा, अच्छे अच्छे रिएक्शन आपको देखने मिलेंगे। और जैसे कि आज लौंडा फॉर्म में इसका कसम नहीं उतर रहा, दबंग है पूरा, हुड़ हुड़ दबंग 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 4 इसको मिलने वाली है, साइन कर गया है परसों ही। ज्यादा फेंक रहा है, बजा दूं इसके बजाता रहा बट। चलो तो कोई नहीं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉक चल भाई, स्टार्ट करवा जल्दी से। तुम दोनों बिना शर्माए एक साथ बताओगे कि तुम्हें एक दूसरे से क्या चाहिए। 1 2 डिवोर्स। विनी की शादी के लिए घर जा ही रहे हैं, उसकी शादी हो जाने तक इस डिवोर्स के डिसीजन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। कौन से पापा अपने बच्चे के डिवोर्स के बारे में सुनने के लिए जोन में होते हैं? मैं बात कर रहा हूँ ना। कब? ये बीवियां शादी के बाद इतनी बोरिंग क्यों हो जाती है? पापा आपने मेरी मुंह की बात छीन ली है। अरे ये बीविया मुंह से निवाला छीन ले, तू बात की बात कर रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल पता है कौन सा है? कौन सा पुत्र? घर वाली। क्यों? क्योंकि उसे बार बार मनाना पड़ता है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तेरी मम्मी को डिवोर्स कर रहा हूँ। और मैं एक दूसरे से, तू समझ रहा है ना? हम दोनों पापा की गोद में बैठ के बड़े हुए, अब वो टीचर आके पापा जी की गोदी में बैठ गई है, अब पापा जी बड़े हो रहे हैं। जितने भी नचते ने सारे, कोई नहीं होते वे जैसा लगदा। मुझे समझ आ गया पापा जी की प्रॉब्लम क्या है। मतलब पापा जी ठरकी हो गए, ठरकी कुकु ठरकी। तेरे और नैना के बीच में सब ठीक है ना बेटा? अगर तुझे कुछ टिप्स चाहिए ना तो अपने पापा से ले लेना, पुराने खिलाड़ी हैं, अच्छी सलाह देंगे। तेरी माँ मीरा से मिलना चाहती है। मीरा कौन है? पापा जी की गर्लफ्रेंड। वो तेरी मोनू तेरी। दुनिया में जी हिटना है पंजाबी साज, नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाब नाच। रिश्ता टूटने की कोई एक वजह नहीं होती, बहुत सी अधूरी लड़ाइयों की थकान होती है बस। डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं? नहीं तो कौन? ये दोनों और कौन? तुम दोनों कान खोल के सुनो। तुम दोनों, इस घर में ना कभी तलाक हुआ है और ना कभी तलाक होगा। दुनिया
करण जौहर की मूवी होने वाली है, प्रोडक्शन करण जौहर का ही है भाई, तो वो बता रहे हैं ना। इसलिए दोस्तों मूवी जो है फैमिली ड्रामा है, दबंग। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कुछ। इससे पहले मैं इससे पूछना चाहूंगा अपने दोस्त से कुछ, शाद राणा जी से। हाँ तो भाई कुछ बताओगे पिक्चर के ट्रेलर के बारे में? सेक्सी जैसे कि आपने से बहुत सी वीडियो में देखा होगा ऐसे करते हुए, एक हवस का पुजारी है हर दफा ये करता है सेक्सी तो पेल दो। इसके ये तीन चार स्टेप रहते हैं, तो इससे इस बारे में तीन चार पूछना, इस पे तीन चार वर्ड है इसके पास, सेक्सी तो पेल दो, मजा आ गया। तो इसके बाद को आप दिल पे मत, इसके बाद को ज्यादा दिल पे मत लेना। आप कमेंट करते हो कि किस तरह का बैठा है, मतलब इस पर आप बहुत कमेंट करते हो, ये लड़का मतलब थोड़ा फनी। अब मैं आपको ट्रेलर के बारे में, फनी वे में रहता है। तो ट्रेलर दोस्तों एक फैमिली मूवी ड्रामा है, इसमें एक फैमिली के संघर्ष दिखा रहे हैं। उसमें डिवोर्स के ऊपर जो है बातचीत चल रही है, पर ना बाप डिवोर्स देने के लिए मान रहा, सॉरी बाप चाहता है मैं माँ को छोड़ दूं, बेटा चाहता है मैं बहू को छोड़ दूं, और मैं चाहता हूँ फिरोज को छोड़ दूं। ये तो अश्लील है दोस्तों, इसके बारे में छोड़िए। उससे पहले मैं फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में बात करना चाहूंगा, इनको आप हंसलेन दीजिए। अनिल कपूर जो कि बॉलीवुड के एक आइकॉनिक एक्टर है, उनकी पर्सनैलिटी देखे दोस्तों आज तक जवा ही जवा है, उनको बुढ़ापा आया ही नहीं दोस्तों। और दोस्तों उनकी सेहत का राज मैं आपको बताता हूँ, उनकी सेहत का राज है दोस्तों अमूल दूध, पीता है इंडिया अमूल दूध पियो और अपनी सेहत बनाओ। अनिल कपूर की तरह सदा जवान रहो। ओ भाई आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इन दोनों की तफरी भी, मतलब इन दोनों की मस्ती भी कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। एक मिनट दोस्तों, और यार इस चीज को गलत वे में मत ले करो आप, हम थोड़ा सा मतलब जो फ्रेंड बैठते हैं ना साथ में, जब फ्रेंड बैठते हैं ना एक मिनट दोस्तों, इसे गाली दो कमेंट में भाई, मैं तो मना रहा था तुम्हें गाली ना दियो, क्या पता क्या कहना उस ऑडियंस को बताओ। एक मिनट दोस्तों फिरोज की सुनो, जैसे कि आप सब जानते हैं वरुण धवन के सितारे गलत दिशा में चल रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें हाल ही में धर्म प्रोडक्शन की एक मूवी मिली थी जिनसे उनके सितारे फिर से ऊपर जा सकते हैं। हम दुआ करते हैं जुग जुग जियो, जुग जुग जियो जैसे सुपर हिट हो, फिरोज दुआ कर दो। धर्म प्रोडक्शन चलो तो ट्रेलर के अंदर दोस्तों मुझे सबसे अच्छी जो चीज लगी है वो यही लगी है, क्यारा अडवाणी। क्यारा अडवाणी को काफी काम मिल रहा है बॉलीवुड के अंदर, उससे अच्छी हीरोइन फिलहाल आज के टाइम में कोई नहीं है, कोई नहीं है। उनकी खूबसूरती बहुत जबरदस्त है, एक्टिंग बहुत अच्छी है। कबीर सिंह में जो उन्होंने किसिंग दी थी वो बहुत ब्यूटीफुल किसिंग थी, और उसके बाद एक मूवी में और आई थी वो कलंक में जो अरुण धवन के साथ वो बिस्तर में पड़ी थी, कलंक में तो मैं नहीं वहां पड़ रहा हूँ, वो तो ग्यारह अडवाणी एक शॉट रहता है वो, क्या बोलते दोस्तों नहीं पता है फिल्म को अच्छे से नहीं देखते हैं। तो चलिए भाई मैं आपसे फिर एक बार कहता हूँ, इनकी जो ये कॉमेडी है आप सिर्फ फनी वे में लेना दोस्तों, आप कुछ गलत मत कमेंट करना कि ये क्या बोल रहे हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और 24 जून को मूवी जरूर देखने जाना जुग जुग जियो भाई। हम तो बाहर घूमने जा रहे हैं इसलिए हम नहीं देख पाएंगे। नहीं नहीं हम भी जाएंगे, पूरी पूरी कोशिश करेंगे मूवी देखने जाने की, अगर भले जबरदस्ती देखनी पड़े। हाँ तो आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।